नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। घर के आगे गुलाब का पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं, सवाल गुलाब लगाने से पहले अक्सर लोग नहीं सोचते, लेकिन इस सवाल पे दो अलग अलग पक्ष सामने आते हैं। पहला पक्ष फेंग शुई का है, जिसके अनुसार गुलाब का पेड़ लगाना घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला माना जाता है, जो आपके घर को उज्जवल, चंचल और गर्म बनाने में मदद करता है, यानी कि एक खुशहाल और जीवंत माहौल। लेकिन दूसरा पक्ष उसे वास्तु से जोड़ता है और बताता है कि घर के सामने कांटेदार पौधे लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। जानते हैं दोनों ही पक्षों के बारे में विस्तार से। घर के आगे गुलाब का पेड़ लगाना घर में विवादों का कारण बन सकता है। ये लोगों के बीच उलझन पैदा करता है और कई बार मनभेदों का कारण बन सकता है। दरअसल घर के आगे ऐसे कांटेदार पौधे लगाना जिंदगी में परेशानियां बढ़ाता है, इसलिए इसे घर के सामने लगाने से बचें। फेंग शुई के अनुसार गुलाब का पेड़ घर के आगे लगाना पॉजिटिव और एनर्जेटिव वाइब्स क्रिएट करता है। अगर ये लाल रंग के हैं तो ये और भी एनर्जी से भरपूर माना जाता है, तो सफ़ेद गुलाब को आप शांति का संकेत मान सकते हैं, इसलिए इसे लगाना घर के साथ इसमें रहने वाले लोगों को खुशहाल रखने में भी मददगार माना जाता है। गुलाब उगाने के लिए सबसे अच्छी जगह आपकी बालकनी और घर का नेतृत्व कोण, यानी कि इसे दक्षिण पश्चिम की दिशा में लगाएं। दरअसल लाल फूलों वाले पौधों को रखने के लिए दक्षिण अनुकूल दिशा है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर की मालिक की सामाजिक स्थिति में वृद्धि होती है, साथ ही ये पारिवारिक संबंध बेहतर विकसित करने में मदद करते हैं। तो अगर आपने अपने घर में गुलाब का पेड़ लगा रखा है या लगाने की सोच रहे हैं, तो इसकी दिशा सही कर लें।